त्या वर्ष जय हिंदू धर्मातील आणि देशवासीय पोरच्या प्रतीक्षेत होते की अयोध्येमध्ये रामलल्लाच्या जन्म ठिकाणी राम मंदिर झालं पाहिजे अशी जी गेल्या अनेक वर्षापासून प्रतीक्षा होती ती आज प्रतीक्षा त्या देशाचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी यांच्या हस्ते ते भूमिपूजन करू नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज जहाँ संपूर्ण भारत में श्री रामचंद्र भगवान को याद करके हर व्यक्ति अपने मन में उनकी आस्था सजोए हुए है, अपने धर्म के प्रति, अपने राम जन्मभूमि के प्रति, जहाँ पर रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ था वहाँ पर आज शिलान्यास कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस हर्ष के साथ में संपूर्ण भारत में हिंदुत्व और कहीं न कहीं प्रत्येक नागरिक भारत का आज हर्षित है। तो वहीं नालासोपारा के शहर जिला प्रमुख राजन नाइक ने उन कार सेवकों का सम्मान करके ये बता दिया है कि वे भी आस्था में लीन हैं और वे भी कहीं न कहीं उन लोगों का सम्मान करना चाहते थे और चाहते हैं जिन्होंने इस पूरे मुहिम में अपनी महत्वपूर्ण आहुति दी थी। 1990 में जब कार सेवकों ने अपने बारे में न सोचकर सिर्फ रामलला के बारे में सोचा, श्री रामचंद्र भगवान की जन्मभूमि और अपने अधिकार की लड़ाई के बारे में सोचा, उन कार्य सेवकों का नालासोपारा में एक गांव है कोरोटी, वहां पर उनका सम्मान किया गया। उस सम्मान में उन कार्य सेवकों को सम्मान के रूप में श्री रामचंद्र भगवान का एक चित्र भी भेंट किया गया। इस बीच में राजन नाइक ने इस पूरे माहौल पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। खर म्हणजे हा अतिशय आनंदाचा दिवस आहे सर्व देशवासियांचा। या भारतात जे हिंदुस्थानात जे लोक राहतात त्या सर्वांना सगळ्यांचा आज आनंदाचा दिवस आहे, कारण 500 वर्षापूर्वी ज्या आक्रमकांनी तिथे मशीद बांधली, जन्मस्थान उद्ध्वस्त करून जी मशीद बांधली त्या मशिदीच्या जागी पुन्हा राम मंदिर होतंय, रामलालाचं मंदिर होतं, या सर्वांना अतिशय आनंद होत आहे। सगळे शरीराने इथे जरी असले तरी मनाने सर्व आम्ही अयोध्येत आहोत। तो प्रत्यक्ष सोहळा पाहण्याचं भाग्य आमच्या ह्या पिढीला मिळालं, आम्हाला सगळ्या मिळालं, आमचं जीवन धन्य झालं असं मी या निमित्ताने मानतो। सर सांगा, या ठिकाणी शिवसेनेला सुद्धा बोलवलं गेलं नाही आणि अडवाणी साहेबांना ज्यांनी या साठी खस्ता खाल्ल्यात अशा लोकांना दूर ठेवण्यात आलं, कुठेतरी मनामध्ये त्यांच्या हे असेल, काय सांगाल याबद्दल? अडवाणीजीला बोलवलं हे आपल्याला कोणी सांगितलं मला पहिलं आपल्याला विचारायचं असं। अडवाणीजी आहे देशाचे सर्वोच्च नेते आहेत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली कारसेवकाला पहिली 1990 साली सुरुवात झाली, समस्तीपूरला कारसेवा अडवली, रथयात्रा अडवली आणि अडवाणीजीचं वय आणि एकंदर बघता अडवाणीचे आशीर्वाद ह्या राम मंदिराला निश्चितपणे 100% आहे। सुना आपने, राजन नाईक ने अपनी बात रखी। राजन नाईक की इस पूरी बात के बाद कार सेवकों ने भी अपनी बात रखी। कार सेवकों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, उनकी आंखें नम थी। श्री रामचंद्र भगवान की वह आस्था जो लोगों के मन में होती कहीं ना कहीं इनके शब्दों में नजर आई, इनके संघर्ष, इनकी आहुति शब्दों में नजर आई। जरा सुनिए कार सेवकों ने क्या कुछ कहा। एक आत्मविश्वास था कि संघ परिवार में से जो विश्व हिंदू परिषद है वो विश्व परिषद के मदन दादा पाटिल सरीखे और ऐसे बहुत कार्यकर्ता थे, नेतृत्व करने वाले थे, योग्य मार्गदर्शन करने वाले थे, दिशाबोध करने वाले थे, तो अपन उसके पीछे रहना चाहिए। और जो जो देश में चल रहा है, जो जो आक्रमकता दिखती है उसमें अपन भी उतरना चाहिए। और उसी तरह हम उतरे और तय किया कि जाना चाहिए। और वहां का जो पहले ही सुना था सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे, उसमें इतना जोश था, इतनी तीव्रता थी, वो तीव्रता से ऐसा लगा कि अपन उसमें सम्मिलित होना चाहिए, नहीं तो ऐसा कृतज्ञ जीवन अपने को कभी मिलेगा नहीं। महसूस ये कर रहा हूँ कि अपना सपना पूरा हो रहा है, अभी निश्चित तौर से अपना राम मंदिर खड़ा होने वाला है और भव्य होने वाला है और इसमें हमको बहुत बहुत कृतज्ञता मिल रही है। इस पूरी बात को सुनने के बाद में एक बात तो स्पष्ट, रामलला के आज उन लोगों की आस्था को एक रूप मिल रहा है जो कई वर्षों से इंतजार में थे कि रामलला को उनका अधिकार मिल जाए। कहीं न कहीं आस्था में डूबे, धर्म में डूबे और समस्त श्री रामचंद्र भगवान के भक्तों को इस दिन का इंतजार था कि कब रामलला उस टेंट से हटकर एक मंदिर में विराजित होंगे जहाँ उनका जन्म हुआ था। अब वो दिन आ चुका है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलान्यास कर दिया है। इस पूरे मुहिम के साथ में कार्य सेवकों के अलग
उनकी आस्था को एक रूप मिला है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि रामचंद्र भगवान पर रखने वाले समस्त आस्थाधारी लोग आज निश्चित रूप से प्रसन्न हैं। पूरे भारत में एक अलग ही माहौल है आज के लिए। धन्यवाद।